अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो गए, खुश हो गए और मज़े में होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पालक दाल। यहाँ पर मैंने एक कप तुअर दाल भिगो कर रखी हूँ, वॉश करके, अच्छे से वॉश करके भिगो कर रखी हूँ। अब यह हम शामिल करेंगे कुकर में। इसी के साथ में दो प्याज, एक टीस्पून अदरक का पेस्ट, एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट। बीच में जाएगा अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। उसी के साथ में एक प्याज स्लाइस करके, फिर उसी में चॉप पालक और दो ग्लास के करीब पानी, दो ढाई ग्लास के करीब कुछ पानी, डिपेंड करता है आपकी दाल पकने में कितना टाइम लेगी, कैसी दाल है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। टीस्पून नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर सिर्फ कलर के लिए। अब हम कुकर को गैस पे रख के 3 से 4 सीटी ले लेंगे। कभी कभी दाल 3 सीटियों में भी पक जाती है, कभी 4 सीटी भी लग जाते हैं। किसी का टेस्ट अलग रखता है, कोई किसका ज्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ मैं इसे बगाड़ दे रही हूँ। यहाँ पे ली हूँ मैंने थोड़ा सा ऑयल, उसमें चॉप की हुई लहसुन, we
पालक दाल में लहसुन ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन और पालक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। गरम मसाला पाउडर ऐड करके फिर बघार देती हूँ और उसे ढक देती हूँ। बघार देती ही ढकने से क्या होता है, उसकी जो खुशबू है वो अंदर के अंदर ही रहती है, अच्छी खुशबू आती है उसमें। ये देखिए हमारी पालक दाल बनके रेडी है, आप इसे एंजॉय करिए।